हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि भगवान शिव ने क्यों अपने ससुर प्रजापति दक्ष का सर धड़ से अलग कर दिया था। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल पेज पर जाइए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि ऐसे ही आने वाली इंटरेस्टिंग स्टोरीज के बारे में आप लोगों को पता चलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं, वीडियो स्किप मत करना क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। प्रजापति दक्ष ब्रह्मा जी के पुत्र थे और माता सती के पिता, और इस रिश्ते से भगवान शिव के ससुर भी हुए। प्रजापति दक्ष नहीं चाहते थे कि माता सती का विवाह भगवान शिव से हो, लेकिन माता सती ने भगवान शिव से विवाह किया और जिसके कारण उनके पिता प्रजापति दक्ष ने माता सती से अपने सारे रिश्ते शादी के बाद ही खत्म कर लिए थे। बात उस समय की है जब माता सती बिना निमंत्रण के अपने पिता दक्ष के घर पहुँच गयी। एक बार माता सती और भगवान शिव कैलाश पर विराजमान थे, तभी उन्हें सूचना मिलती है कि राजा प्रजापति दक्ष ने अपने महल में एक विशाल यज्ञ का आयोजन कराया है और इस यज्ञ में उन्होंने सभी देवी देवताओं को, यक्ष, गंधर्वों, सभी को आमंत्रित किया है। लेकिन माता सती को निमंत्रण नहीं दिया था। खुद को निमंत्रण ना मिलने के कारण माता सती थोड़ी हिचकिचाई और बात संभालने के लिए भगवान शिव से कहने लगी कि पिता के घर जाने के लिए पुत्री को निमंत्रण की क्या जरूरत। पिताजी ने यज्ञ का आयोजन किया है और मुझे मायके गए हुए भी काफी समय हो गया है, मैं तो मायके जाऊंगी। भगवान शिव ने माता सती को समझाने की बहुत कोशिश की कि उन्होंने हमें निमंत्रित नहीं किया है, इसलिए हमारा वहाँ जाना ठीक नहीं है। लेकिन माता सती ने भगवान शिव की बात नहीं मानी और प्रजापति दक्ष के घर पहुँच गई। जब माता सती ने वहाँ जाकर देखा कि वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और सभी देवी देवताओं के लिए आसन लगा है, लेकिन भगवान शिव का कोई आसन नहीं है। माता सती को यह अपना और भगवान शिव का अपमान लगा। उन्होंने कहा कि पिताजी, आपने हमारे साथ ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया, और गुस्सा होके और नाराज होकर माता सती हवन कुंड में कूद गई और अपने प्राणों की आहुति दे दी। जब भगवान शिव को इस बात का पता चला तो उनके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। तभी भगवान शिव राजा दक्ष के महल में पहुंच गए और माता सती का पार्थिव शरीर देख भगवान शिव के गुस्से का ज्वालामुखी राजा दक्ष पर फूट पड़ा, जिसके कारण भगवान शिव ने राजा दक्ष का सर काट दिया। लेकिन इसके बाद भी भगवान शिव का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह माता सती का जला पार्थिव शरीर लेके संपूर्ण पृथ्वी पर घूमने लगे और जिसके कारण उनका क्रोध बढ़ता ही जा रहा था। यह देख भगवान विष्णु ने अपना सुदर्शन चक्र भगवान शिव के पीछे छोड़ दिया और सुदर्शन चक्र ने एक एक करके माता सती के अंगों को काटना शुरू किया। पृथ्वी पर जहाँ 52 जगह माता सती के अंग गिरे, उन 52 जगह पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई, जो आज के समय में आस्था के केंद्र है। जब काफी देवों ने स्तुति की, इसके बाद कहीं जाकर भगवान शिव का क्रोध शांत हुआ। तब ब्रह्मा जी भगवान शिव के पास आए। पहले तो उन्होंने माता सती के पुनर्जन्म के बारे में बात कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र के प्राणों की भीख मांगी। तब भगवान शिव ने ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के सर की जगह एक बकरे का सर लगा दिया और इस तरह प्रजापति दक्ष को जीवन दान दिया। दोस्तों, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव लिखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।